जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज इस आप वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे। जैसा आप जानते हैं, कोविड-19 के कारण स्कूल अब 15 मई तक स्टूडेंट के लिए बंद कर दिए गए हैं, तो उससे संबंधित जानकारी आप हासिल करेंगे कि अब किस तरीके से शिक्षक, सभी टीचर्स, स्टाफ स्कूल में जा रहे हैं, तो कैसे बच्चों के लिए अब वो शिक्षण सामग्री को उनके सामने तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, उसी से संबंधित ये वीडियो है, जिसमें आप जानेंगे कि रोजाना 2 अभिभावकों को स्कूल बुलाएंगे परिषदीय शिक्षक, 5 बच्चों से करेंगे बात, अब ऐसे चलेगी पढ़ाई और लिखाई। प्राइमरी स्कूल में उनके अभिभावक जाएंगे। शैक्षिक शिक्षा बेसिक शिक्षा विभाग ने कोविड काल में बच्चों की बजाय उनके अभिभावकों को स्कूल बुलाने का आदेश दिया है। हर दिन प्रत्येक कक्षा के 2 बच्चों के अभिभावकों को स्कूल बुलाया जाएगा। हर क्लास के शिक्षकों को उनकी कक्षा के 5 बच्चों से रोजाना फोन पर बात करनी होगी। अभिभावकों के स्कूल बुलाने के आदेश पर शिक्षकों में नाराजगी है। इससे स्कूल में शिक्षिकाओं के संक्रमित होने का खतरा रहेगा। ये आदेश भी जारी किए गए हैं। प्रत्येक कक्षा और विषय के लिए मासिक पंचांग के अनुसार शैक्षणिक सामग्री साझा करनी होगी। विभाग की ओर से प्रेषित कक्षावार, विषयवार शैक्षिक सामग्री कंटेंट अभिभावकों के व्हाट्सएप पर भेजने होगी। प्रत्येक शिक्षक प्रतिदिन अपनी कक्षा के न्यूनतम 2 बच्चों के अभिभावकों को विद्यालय बुलाकर बच्चों की पढ़ाई के बारे में चर्चा करेंगे, अभ्यास कार्य की जांच करेंगे तथा बच्चों को गृह कार्य देंगे। प्रत्येक दिन कक्षा अध्यापक अपनी कक्षा के न्यूनतम 5 बच्चों से दूरभाष पर वार्ता करेंगे, घर पर चल रही पढ़ाई की समीक्षा करेंगे, उनकी पढ़ाई से संबंधित समस्याओं का निराकरण करेंगे, उन्हें विषय संबंधी पाठों के बारे में समझाएंगे। प्रतिदिन अभिभावकों और बच्चों से किस विषय पर वार्ता करनी है उसकी कार्य योजना पूर्व में ही शिक्षक डायरी में तिथिवार अंकित होगी। दूरदर्शन पर प्रसारित ई कंटेंट को देखने के लिए बच्चों को प्रेरित करेंगे। विगत शैक्षिक वर्ष में बच्चों के पठन पाठन में निरंतरता के दृष्टिगत अधिकतर जनपदों में शिक्षकों द्वारा मोहल्ला पाठशाला का संचालन किया गया था, जिसका परिणाम काफी उत्साहवर्धक रहा है। प्रोटोकॉल का पालन करते हुए स्वेच्छा से शिक्षक मोहल्ला पाठशाला का संचालन कर सकेंगे। तो आपने इस तरीके अभ्यर्थियों से भरी जाएंगे। तो आपने इस वीडियो से बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी जानकारी हासिल की। आप यदि आप मेरे YouTube चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप मेरे YouTube चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों तक लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आपको दिष्टा निष्ठा मानव संपदा EHRMS से जुड़ी हुई तमाम तकनीकी और जो भी उससे जुड़ी हुई प्रॉब्लम समस्याएं होती उससे संबंधित आप वीडियो पाते। इसके अलावा आप स्टूडेंट्स के लिए मेरे चैनल के माध्यम से साइंस, मैथ, कंप्यूटर के साथ साथ विभिन्न प्रकार के विषयों से जानकारी के साथ साथ वैकेंसी से जुड़ी हुई, इसके अलावा विभिन्न प्रकार के कंपटीशन, CTAT, TAT, आपके PGT, TGT, विभिन्न प्रकार के सभी शिक्षा जगत से जुड़ी हुई खबरों को आप मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से पाते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल से जुड़ते हैं तो आपको निश्चित रूप से यहाँ लाभ प्राप्त होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।